नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मुद्दा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। दरअसल डॉक्टर फिरोज खान का जो नियुक्ति की गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और जिसके खिलाफ वहाँ के छात्र खड़े हो गए हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ छात्रों और प्रोफेसर के बीच में आए हैं। ये जो पूरा झुंड आप देख रहे हैं, ये दरअसल प्रोफेसर और छात्रों के बीच में चल रहे वाद विवाद का है, जिसे हम अब फॉर्मल तरीके से यहाँ शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी मौजूद है, प्रोफेसर रसाल सिंह मौजूद है, प्रोफेसर रतनलाल मौजूद है और साथ में हमारे प्रोफेसर मंडल मौजूद है। ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं। छात्र भी हमारे साथ काफ़ी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आप संस्कृत डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं, क्या एक मुसलमान संस्कृत भाषा में पढ़ाए या ना पढ़ाए? जो छात्र वहाँ पे विरोध करें वो सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, बिल्कुल एक मुसलमान छात्र संस्कृत भाषा को पढ़ सकता है। बिल्कुल आपका विषय और आपका प्रश्न जिनमिन है, भाषा को पढ़ सकता है, भाषा विज्ञान को पढ़ सकता है, उस विषय में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी भी पा सकता है। उसके लिए संस्कृत विभाग महामना ने बना रखा है। जहाँ पर धर्म और आस्था की बात आती है, वहाँ पर अलग एक वैदिक कॉलेज के नाम से ही महामना ने उसकी स्थापना की थी और महामना का एक बड़ा ही पुनीत उद्देश्य था और महामना उनको उपाधि भी एक विश्व के प्रख्यात कवि आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। इवन महात्मा गांधी उनको बड़े भाई मानते थे, महात्मा गांधी जी भी उनको देवता पुरुष के नाम से और प्रातः स्मरणीय उपाधि से उनको संबोधित करते थे। ऐसे तपपूत महामना ने जिस सिद्धांत को स्थापित किया वहाँ पर कि यहाँ पर केवल सनातन परंपरा एवं हिंदू धर्मावलंबी लोगों का प्रवेश होगा और वो जो अपने धर्म और सनातन परंपरा की इज्जत करते हैं, उसमें निष्ठा रखते हैं, वो यहाँ पर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बाकी सभी धर्मों के विद्यार्थी, सभी धर्मों के लिए शिक्षक की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही कला संकाय के संस्कृत विभाग में हो सकता है, लेकिन संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, क्योंकि उनका ये उद्देश्य था, क्योंकि प्रायोगिक पक्ष भी यहाँ पर है, व्यवहारिक पक्ष है, जो जीवन भर जिस चीज़ को जिया है उसको अच्छे से अभिव्यक्त कर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिरोज जो हैं वो संस्कृत को ही सब कुछ मानते हैं। फिरोज के पिता भजन गाते हैं मंदिर में, उनके दादा भी संस्कृत में, उनके भाई भी संस्कृत के विद्वान हैं, उनके पूरे परिवार में वो चला आ रहा है एक तरह का परंपरा, तो क्या उनकी निष्ठा नहीं है धर्म में? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, एक होता है जिसने पूरे जीवन एक धर्म को, एक परंपरा को जिया है। आप कभी भी जब जाते हैं कहीं इलेक्ट्रिशियन के यहाँ, जब आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है तो आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं, आप प्लम्बर को नहीं बुलाते हैं। देखिए, विवाद का विषय ये बढ़ जाएगा, क्योंकि नहीं, वो जिया है उस चीज़ को, वो जिया है क्योंकि उसी आपने जो बोला उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिशियन ने वो सीखा है और उसकी वो स्किल है, तो स्किल बोल रहे हैं आप, स्किल तो फिर आप सीख करके कहीं से भी, आप दूसरी, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं मेरी बिल्कुल बात सुन, मैं आपकी, मैं एक बात, मैं आपसे एक सवाल, जिस इलेक्ट्रिशियन की बात करें, मैं संस्कृत धर्म का विद्यार्थी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, आप धर्म, आप कह रहे धर्म नहीं सिखा सकते, भाषा सिखा, मेरी बात सुन लीजिए, जो हम परंपरा की बात कर रहे हैं कि तक्ष की क्या स्थिति है, कि जब इंद्र को वज्र, इंद्र के लिए वज्र का निर्माण हुआ तो त्वष्टास्मैश्वर्यम वज्रम ततक्षा की बात होती है कि कौन इस वज्र का निर्माण करेगा, तो उसके जो बिल्कुल पारंगत, जो परंपरा से उस शिल्प, उस कला को जो जानने वाले हैं, उनके यहाँ ये विधान है जाने का। हमारे यहाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी योग्यता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ उनकी योग्यता का, सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ षोडश संस्कार की बात आएगी, जहाँ पर पौरोहित्य कर्मकांड के द्वारा वहाँ पर वेद सस्वर पढ़ाए जाते हैं, फिर कर्मकांड की विधि सिखाई जाती है, जहाँ पर धर्म का एक प्रायोगिक पक्ष सिखाया जाता है, यज्ञ यागादि के विधान सिखाए जाते हैं, और उसमें जहाँ पर पूर्ण रूप से सनातन परंपरा को जिसने जिया है, उसका वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, महामना का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अच्छा, आपने उसमें एक आखिर में बोला, आप बताइए आप क्या मानते हैं, वो कह रहे धर्म नहीं सिखा सकते आप हमें, भाषा समझ गया मैं,
ऐसा है, उनका अपॉइंटमेंट फिरोज का अपॉइंटमेंट धर्माधिकारी के रूप में हुआ है कि प्रोफेसर के रूप में हुआ है, ये दोनों में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। देखिए बीएचयू का इतिहास हम भी जानते हैं, मैं काम करता रहा हूँ बीएचयू में जाकर, वहाँ के लाइब्रेरीज में बहुत सारे इतिहास की बातें नहीं पलटनी चाहिए। और महामना 1904 में जब बनाए थे तो ब्रह्मा की लकीर जिसको कहते हैं हिंदू टर्मोलॉजी में, वो लकीर गुलाम भारत था, और भारत कैसे गुलाम बनाए भी हम लोग जानते हैं। आज़ाद भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो गया, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल, जब वाइस चांसलर जब कह रहा है कि फेयर अपॉइंटमेंट है, सिलेक्शन कमेटी कह रहा है कि फेयर अपॉइंटमेंट है, तो कुछ छात्र अगर चाहते हैं और धरने पे वो भी प्रायोजित है, नाम हमने देखा है किस संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर वो प्रायोजित छात्र हैं और वो बैठ रहे हैं और वो टीचर वहाँ ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो इस देश के लिए शर्म की बात है। ये बात हमको समझना पड़ेगा, ये वही लोग हैं। देखिए भाषा का विस्तार और विकास कैसे होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े उसको। लेकिन इन्होंने तो ऐसा बनाया कि सनातन धर्म में भी 16 जो संस्कार हैं उसमें भी जनऊ ब्राह्मण का अलग होगा, क्षत्रिय का अलग होगा, वैश्य का अलग होगा, कुछ का तो जनऊ ही नहीं होगा। तो इनको ये बताना पड़ेगा कि कौन जनऊ वाले वहां पे धर्माचार्य बनेंगे। तो ये जनऊ लीला इसको हम लोग कहते हैं कि जनऊ लीला है और कुछ नहीं है। बीएचयू में जाता रहा हूं, वहां तो दलित बैकवर्ड का छोड़ दीजिए, जिस दिन राजपूत वहां पे वाइस चांसलर हो जाता है ना, तो बाकी लोग वहां आग लगा देता है धरना प्रदर्शन करके। तो वहां का इंटरनल डायनेमिक्स भी है, और 30 तक तो वहां महिलाएं भी नहीं अलाउड थी मालवीय जी के जीवन काल में। उसका कैरेक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदला है। दिस इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और पब्लिक मनी और प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं चलेगा इस देश में, संविधान का राज होगा इसमें और वही चलेगा। मैडम देखिए, एक तो जो कोई भी कहीं भी घटनाक्रम होता है उसको लेकर के हमारे कुछ मित्र संगठन विशेष के ऊपर अपनी तोप दागना शुरू कर देते हैं, उस पर मुझे आपत्ति है। इसके बाद में विषय पर आऊँगा। विषय ये है कि हमारा चाहे हिंदू धर्म हो या भारत देश हो, ये दोनों ही बहुत उदार रहे हैं, और आज आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज में हम जी रहे हैं। ऐसे समय में चाहे वो दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे महिलाएं हो, उनको लेकर के जो भी वर्जनाएं और प्रतिबंध रहे हैं उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से देखें तो डॉक्टर फिरोज खान की जो वहां नियुक्ति हुई है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस नियुक्ति का जो विरोध हुआ है उसके माध्यम से कई सारे सवाल हमारे सामने खड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सवाल ये खड़े हुए कि क्या आप एक धर्म विशेष से ही उदारता की अपेक्षा रखते हैं या अन्य धर्मों से भी उदारता की अपेक्षा रखेंगे? इस देश में अभी भी कितने सारे क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने सारे मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनमें अन्य लोगों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए? क्या उसमें दलितों के वंचितों के अधिकार नहीं होने चाहिए? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ। आप धर्म विशेष से उदारता की अपेक्षा न रखें। हम फिरोज खान की नियुक्ति का इसलिए भी स्वागत करते हैं कि चाहे दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किया हो, चाहे मैक्स मूलर ने किया हो, चाहे आप देखेंगे कि रसखान से लेकर नजीर अकबराबादी तक एक बहुत बड़ी परंपरा रही है जिसमें कि मुसलमानों ने हिंदू धर्म को और हिंदू देवी देवताओं की भक्ति की है, तो उसको लेकर के हमारी पूरी स्पष्टता है। दूसरा एक और जो विषय है जो मुझे लगता है कि जो बच्चे रखना चाहते हैं, एक तो जो भाषा को लेकर के, साहित्य को लेकर के और धर्मशास्त्र को लेकर के ये गड्ढमड्ड किया जा रहा है उससे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। बच्चों की जो वहाँ पर आपत्ति है वो धर्मशास्त्र को लेकर है, हालांकि हमारा स्टैंड ये है कि धर्मशास्त्र पढ़ाने की भी अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यही हिंदू धर्म की जो उदारता है उसका जो सर्वसमावेशी चरित्र है उसके अनुरूप है। यहाँ उससे ज़्यादा बुनियादी सवाल जो बच्चे शायद नहीं पूछ पा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उनकी तरफ से, हालांकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं और उनका जो पक्ष है उसके साथ भी नहीं हूं, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सवाल मेरा यह है कि कोई भी ज्ञान, कोई भी अनुशासन खाली प्रीचिंग के लिए नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस भी की जाती है, उसको जीवन में भी लाया जाता है, उससे हमें भावनात्मक स्तर पर जुड़ना होता है। लेकिन वो तो जीवन में लाए हैं, तो उन्होंने संस्कृत को जिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर फिरोज खान भावना के स्तर पर हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म शास्त्रों से जुड़े हुए तो उनकी नियुक्ति का स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए हमारे साथ प्रोफेसर मंडल भी हैं, एक सेकंड पहले प्रोफेसर से जी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, किरोड़ीमल कॉलेज का छात्र था और 22 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा फर्क देख रहा हूँ, मेरा देश बदल रहा है, वाकई में बदल रहा है। आपको आपकी नियुक्ति के बाद छात्रों का एक समूह तय करेगा कि आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ये कोई विधान और ये नहीं है। इसमें आज फिरोज खान है प्रश्न में, कल सूरज मंडल हो सकते हैं। आप शूद्र हैं तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपसे ब्राह्मण नहीं पढ़ेगा, ये हमारे धर्म का शास्त्र है, ऐसा कहा जा सकता है। और अगर ऐसा कहा गया तो इस देश का संविधान जो, और मैं समझता हूँ हर क्षण उसकी जो ताकत है उसको कम किया जा रहा है, वो
विलुप्त होने की स्थिति में रहेगा, और यहाँ जो कुछ होने वाला है उसको डॉक्टर साहब ने सही कहा, वो जनऊ लीला बन के रह जाएगा। मैं डॉक्टर मंडल जो बोल रहे थे उस पर दो बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात तो जी बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखूँगा। पहली बात तो मैं ये रखना चाहता हूँ कि वो जो छात्र स्वतः स्फूर्त कर रहे हैं उसको किसी संगठन से और सरकार से प्रायोजित घोषित करना अपने आप में आपत्तिजनक है और गलत है, ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। तब जबकि कुलपति ने स्पष्टीकरण दिया है कि सिलेक्शन कमेटी का निर्णय अंतिम है और हम उसके साथ खड़े हुए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म का जब भी विषय आता है तो आप उसको मनुस्मृति से लेकर के सारी पीछे की पुरानी जो भी बातें हैं उनको गिनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मैंने एक और बुनियादी सवाल उठाया था, अगर आप समानता की बात करते हैं, स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं, दलितों वंचितों के अधिकारों की बात करते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस में भी होना चाहिए। वहाँ भी तो एक दूसरे किस्म की जनेऊ लीला हो रही है, उस जनेऊ लीला पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है? ये क्या माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं? चलिए चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे तो छात्रों से भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं, क्या वो अगर उन छात्रों की जगह होते तो क्या वो एक मुसलमान से अपना धर्म सीखने के लिए तैयार है या नहीं। वक्त है एक ब्रेक का। पक्ष विपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और BHU में एक मुसलमान प्रोफेसर की नियुक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ छात्रों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अगर उन छात्रों की जगह होते तो आप तैयार थे उनसे पढ़ने के लिए? देखिए मैं सीधा डायरेक्ट इनकी बातों से ही बात कर देता हूँ। धर्म और प्रैक्टिस में ये कह रहे हैं, अध्ययन और प्रैक्टिस, तो इमर्जेंस ऑफ इस्लाम जब हिंदू प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो उसमें बात आती है काबा का, था क्या आप काबा की तरफ खड़ा होंगे? सजदा के बात होता है तो सजदा के जाएंगे आप? उस तरह करके आप पढ़ाएंगे बच्चे को? मेरा लास्ट है। और पर्शियन हिस्टोग्राफी, अरबिक हिस्टोग्राफी, जब टर्मोलॉजी आती है मुस्लिम टर्मोलॉजी, क्या उस तरह आप करके बताएंगे? जबकि ड्यू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिडिवल का डिपार्टमेंट ब्राह्मण हिंदू लोग पढ़ाते हैं, ये बड़ी बात। अभी मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ। DU में भी क्या हो रहा है, हिंदी डिपार्टमेंट शोरा सिंह बेचैन है, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। पहले संस्कृत एक दलित प्रोफेसर थे कौशल पवार, सब जानते होंगे, और सत्यमेव जयते में आमिर खान के साथ भी आए थे, उन्होंने भी अपनी आप बीती बताई कि उनके साथ किस तरीके का अत्याचार होता है। सिर्फ मुसलमान इस देश के जो हिंदू धर्म के दलित, वो भी इसी जो आज जो रोग पैदा हो रखा है ना BHU में, उसके चीजें भुगत रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि BHU उसका एग्जांपल है, JNU हो चाहे कोई सी भी आइडियोलॉजी, पूरा देश जो ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी से आपने चलाया हुआ है, दलितों का अपॉइंटमेंट भी देश में नहीं है, DU में नहीं है। BHU के जो भी स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं उनका यही कहना है, जो ये जो कर्मकांड वाले जो डिपार्टमेंट जिनकी सरकार है बात, उसमें सिर्फ जो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है वो लड़का वही पढ़ सकता, वही पढ़ा सकता, वही कर्मकांड करा सकता, बाकी अदर हिंदू भी जो अपने आप को कहता है दलित SC ST वो सब नहीं, क्योंकि इनके में ये है, जो गाय का गोबर हो चाहे आदमी का गोबर हो वो पवित्र है, लेकिन आदमी अछूत है, पेड़ पौधा पवित्र है, आदमी अछूत है। ऐसे में ये लोग सिर्फ जनेऊ के लोगों को सिर्फ पढ़ाने देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग फिरोज खान का विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामलीला में राम का एक्ट नहीं करने दिया था। नंबर दो ये बताना चाहता हूँ, ये देश अपने रिलीजियस व्यू पॉइंट पे चलाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं। जितने भी लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हमें लगता है फर्स्ट लेटर जो अपोज कर रहे हैं नहीं जानते। मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल क्या होता है। जब आप प्रीएम्बल उठाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल होता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मैं जानना चाहता हूँ जो बचपन से संस्कृत पढ़ा हो उस पर अब पढ़ने का मौका दे दिया, और उसके बाद अब जब पढ़ाने की बारी आई तो आपको क्या नहीं लगता है उसके डिग्निटी के साथ हर्ट हुआ? क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ? देखिए मैडम, देश में आज के दिन जो चल रहा है धर्म को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने के, ये अच्छा नहीं है। इस देश में इंसान को इंसान देखा जाएगा, इंसान को उसकी काबिलियत के आधार पर देखा जाएगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। जो धर्म की बात करते हैं, मेरे ख्याल से फिर वो ये बताए कि अब्दुल कलाम जी का धर्म क्या था, क्या उसको हिंदू नहीं मानते या कोई और नहीं मानता? जब अब्दुल कलाम जी को हम उसकी काबिलियत के हिसाब से देखते हैं तो फिरोज खान को भी
इसी काबिलियत के आधार काबिलियत ही आधार होना। मैम मैं सिर्फ इतना विरोध करना चाहता हूँ, मैं अपने कॉलेज का महासचिव हूँ, जो सर कह रहे हैं इसका इतना प्रभाव है, मैंने अपने कॉलेज में सिर्फ इतना ही बातें कही थी एक पद पे होते हुए कि सबको पूजा कराने का हक होना चाहिए SC ST OBC को। आप यकीन मानो मैम ऐसे टूट पड़े मेरे पे लोग जैसे मेरे को मार डालेंगे, तू कैसी बातें कर रहा है, कहां से दलित पढ़े हो गए, शिक्षा होनी चाहिए। सेम स्टेटमेंट आया था शिक्षा होनी चाहिए, अभी प्रोफेसर साहब कह रहे शिक्षा होनी चाहिए, कान नहीं करा सकता हूँ जो रिचुअल से वो नहीं पूरा कर सकता। मेरा इतना ही मैम कि हिंदू धर्म में मैम हिंदू धर्म का एक्सपेंशन मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार के साथ कमी अफसोस होता है कि जब हम पढ़े लिखे हमें जॉब नहीं देगा। हमारे माता पिता ने क्यों नहीं पढ़ाया संस्कृत हमें, क्योंकि हमारे माता पिता को विश्वास ही नहीं था कि मेरा बेटा संस्कृत पढ़ के कुछ कर पाएगा। अगर हर बंदे को उम्मीद हो जाए ना अगर कि नहीं नहीं मेरा बेटा भी पंडित बढ़ सकता है, आप यकीन मानो संस्कृत धर्म संस्कृत भाषा जो है एक इंडिया से बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पर जा सकती है। संस्कृत के पिछड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि संस्कृत से लोगों को जॉब नहीं मिलता, उन्हें लगता है कि ब्राह्मण का बेटा संस्कृत पढ़ेगा तभी वो पंडित बन सकेगा, वरना और कोई संस्कृत पढ़ के पंडित नहीं बन सकेगा। बस मेरा बस इतना ही कहना है कि आप भाषा और धर्म विज्ञान को एक साथ बिल्कुल मत जोड़ें, एक ही चश्मे से मत देखें। आप लोग बार बार भाषा और धर्म विज्ञान को एक चश्मे से देख रहे हैं, वहाँ पर मुद्दा अलग है, विषय अलग है। मैडम इसमें ये जो BHU में घटनाक्रम हुआ है, इसमें एक अच्छी चीज मैं देख पा रहा हूँ, इसने जो हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की समान नागरिक संहिता की जो मांग रही है उसको जस्टिफाई कर दिया है इन्हीं लोगों के तर्क में कि सबके लिए एक समान नियम होना चाहिए, धर्म के आधार पर लिंग के आधार पर जाति के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। सुनिए सुनिए बार बार मालवीय जी की बात कर रहे हैं मैं से और आप कह रहे हैं तथ्य की बात। 1928 में कीर्ति में छपे लेख में भगत सिंह लिखते हैं कि मालवीय जी मैतरों से माला डलवाने के बाद नाटक करते थे और नहाते आते। 1928 का कीर्ति में लिखा हुआ लेख है, भगत सिंह ने लिखा है कीर्ति में। और दूसरी बात, लोहिया कहते थे कि द्विजों में चिल्लाने की वो शक्ति होती है कि अपने स्वार्थ को परमार्थ साबित करते हैं। इनके मन में बसते होंगे मालवीय, इनके होंगे, उसको राष्ट्रभक्ति ना साबित करें, उसके राष्ट्र के मन में नहीं बसते हैं। तो ये पूरी तरह से BHU का पूरा पैटर्न ब्राह्मण निकल रहा है और अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी इंस्टीट्यूशन रहा है वो। मेरे पास वक्त नहीं रह गया सर, यहाँ पर ये जो चर्चा हुई है बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि भावनाओं के साथ हुई है। और एक चीज है कि यहाँ पर मौजूद कई छात्र ये मानते हैं कि शुरुआत भले ही एक मुसलमान के मुद्दे से हुई हो, लेकिन ये आगे जाकर के अगर ये बदला नहीं जाता है तो ये जात पात तक जा सकता है। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।